नमस्कार, मैं शिप्रा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 2017 में भारत की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता। मानुषी छिल्लर का जन्म 14 मई 1997 को हरियाणा के झज्जर जिले के एक गांव में हुआ था। भारत की मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता हैं। 18 नवंबर 2017 को चीन के सनाया में आयोजित प्रतियोगिता में मानुषी ने यह खिताब जीता। प्रतियोगिता में कुल 118 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया था। मानुषी की विशिष्ट मानसिक योग्यता को देखते हुए उन्हें प्रतियोगिता में ब्यूटी विद पर्पस का खिताब भी दिया गया। वह फेमिना मिस इंडिया 2017 की भी विजेता रह चुकी हैं। आज ही के दिन 1963 में अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम दुनिया के सामने पहला ऐसा फोन लाई जिसमें बटन वाला डायलिंग पैड था। 18 नवंबर 1963 में अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम दुनिया के सामने पहला ऐसा फोन लाई जिसमें बटन वाला डायलिंग पैड लगा था। बटन वाले टेलीफोन को सबसे पहले कॉमर्शियल कीपैड फोन पेंसिल्वेनिया में लगाया गया था। इसमें शुरुआत में 10 बटन हुआ करते थे। 1968 में हैश और हैस्ट्रिक्स बटन जोड़ा गया। आज ही के दिन 1901 में फिल्मकार अभिनेता निर्देशक वी शांताराम का जन्म हुआ था। वी शांताराम एक प्रसिद्ध भारतीय निर्देशक, फिल्मकार और शानदार अभिनेता थे। उन्हें भारतीय सिनेमा जगत का पितामह कहा जाता है। उनका जन्म 18 नवंबर 1901 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक जैन परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने 6 दशक लंबे फिल्मी करियर में लगभग 50 फिल्मों को निर्देशित किया था। एक बहादुर और जिम्मेदार जेलर की जिंदगी पर बनी फिल्म 2 आंखें 12 हाथ शांताराम की सबसे चर्चित फिल्म है। भारतीय सिनेमा जगत में अमूल्य योगदान देने वाले महान फिल्मकार वी शांताराम का 30 अक्टूबर 1990 को मुंबई में देहांत हुआ था। आज के दिन 1893 में ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंगम का निधन हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारत के पुरातत्व अन्वेषण का पिता कहा जाता है। कनिंगम एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री तथा सेना में अभियांत्रिक पद पर नियुक्त थे। इनके दोनों भाई फ्रांसिस कनिंगम एवं जोसेफ कनिंगम भी अपने योगदान के लिए ब्रिटिश भारत में प्रसिद्ध हुए थे। कनिंगम ने मथुरा उत्तर प्रदेश में वर्ष 1871 और 1882 से 1883 में खुदाई का कार्य कराया। सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने भारत के पुरातत्व विभाग के निदेशक के रूप में 1870 से 1885 ईस्वी तक काम किया। कनिंगम को इनके योगदानों के लिए 20 मई 1870 को ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया CSI से सम्मानित किया गया था। बाद में 1878 में इन्हें ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर से भी सम्मानित किया गया। 1887 में इन्हें नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर घोषित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 18 नवंबर दिन सोमवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है मन का सुख। मेष, मन के सुख के लिए भाग्य 44%। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी। अचानक धन लाभ होने के योग है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। पठन पाठन से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूलताएं बने रहने के योग है। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। वृष, मन के सुख के लिए भाग्य 75%। रोग की वजह से अनावश्यक खर्च होगा। आपका समय उत्तम चल रहा है। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वाणी व आचरण पर संयम बरतें। झगड़े के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व काही। मिथुन, मन के सुख के लिए भाग्य 41%। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार के योग है। शुभ रंग सफेद व नारंगी तथा निषेध रंग हरा व काही। कर्क, मन के सुख के लिए भाग्य 83%। बेरोजगारों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति का संभव है। कठिन परिश्रम से सोच में सकारात्मकता आएगी। सुखद समय चल रहा है। इच्छाएं पूरी होंगी। कार्य क्षेत्र में लापरवाही न बरतें। हानि के योग है। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व पीला। सिंह, मन के सुख के लिए भाग्य 52%। कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग है। मनोरंजन और भोग विलासी प्रवृत्तियों में खर्च होगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय उत्तम है। संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्ति के योग है। शुभ रंग गुलाबी व सफेद तथा निषेध रंग जामनी व सिलेटी। कन्या, मन के सुख के लिए भाग्य 53%। आय व्यय की तरह उपलब्धियों का संतुलन बना रहेगा।
मनोवांछित सफलता मिलेगी। खूब मेहनत करें, अच्छा फल प्राप्त होगा। कारोबार में अपेक्षा अनुरूप सफलता प्राप्ति के योग है। शुभ रंग धानी, नारंगी तथा निषेध रंग बसंती व जामनी। तुला, मन के सुख के लिए भाग्य 76%। आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती हैं। कोई भी अनैतिक कार्य करने से पहले परिणाम पर ध्यान रखें। करियर के लिए समय अनुकूल चल रहा है। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। समस्या उत्पन्न होने के योग है। शुभ रंग सभी प्रकार के सफेद रंग तथा निषेध रंग काला व स्लेटी। वृश्चिक, मन के सुख के लिए भाग्य 50%। नौकरी व व्यवसाय की दृष्टि से समय अनुकूल है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। घर बाहर सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। शुभ शुभ फल की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना बरते, हानि के योग है। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग काला व जामुनी। धनु, मन के सुख के लिए भाग्य 77%। अपने करीबी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। वित्तीय स्थिति का ख्याल रखने की जरूरत है तथा फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगा सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग को सफलता की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में नवीन योजनाएं बनने के योग हैं। शुभ रंग पीला बसंती व मस्टर्ड तथा निषेध रंग हरा धानी काही। मकर, मन के सुख के लिए भाग्य 53%। मन कुछ खिन्न रह सकता है, परंतु परेशान न हो, परिणाम प्राप्ति का मन हर्षित होगा। भविष्य को सुधारने के लिए आज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। समय आपके अनुकूल है। आपको कार्यों एवं योगदान को मान्यता मिलेगी। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्ति के योग है। शुभ रंग सिलेटी तथा निषेध रंग गुलाबी व लाल। कुंभ, मन के सुख के लिए भाग्य 54%। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। किसी को अच्छा ना लगे ऐसा बोलने से बचे। आपकी छवि खराब हो सकती है। व्यर्थ के तनाव से मुक्ति के योग है। शुभ रंग सिलेटी निषेध रंग काही। मीन, मन के सुख के लिए भाग्य 76%। कार्य में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। रोजगार में वृद्धि हो सकती है। अनुकूल एवं फलप्रद रहने के योग है। व्यर्थ के तनाव से घिरे रहने के योग है। शुभ रंग पीला नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग नीला व काला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 7:08 से प्रातः 8:53 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 01212668888 या 09837060006 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें IMT मीडिया।